सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कृषि एवं फसलें। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई टॉपिक को। ठीक है, सिंचाई में देखिए, सिंचाई का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि खेत में केवल और केवल आप लोगों को उसको जुताई करके बीज बोने से ही सब कुछ नहीं हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, फसल को या पौधे को समय समय पर पानी देना, जिससे कि उसको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी मिल सके और पर्याप्त पानी भी मिल सके। जिस प्रकार से मानव जीवन के लिए जल का बहुत महत्व है, हमारे लिए बहुत महत्व है, पानी के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं, इसी प्रकार से पौधे भी जीव ही है, पौधे भी सांस लेते हैं, तो पौधों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक होता है। खासकर फसलों की अगर हम बात करें तो उन्हें बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में मानसूनी सीजन केवल और केवल एक ही बार आता है और केवल एक बार की सिंचाई से ये काम नहीं चलता है और बार बार खेत को सींचना पड़ता है। इसलिए हम केवल और केवल मानसून के भरोसे नहीं रह सकते, केवल बारिश के मौसम के भरोसे नहीं रह सकते। अलग से नहरों के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, नदियों के माध्यम से खेतों की सिंचाई हमें कृत्रिम रूप से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, इसे ही हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंचाई के उद्देश्य और महत्व। पौधों में होने वाली क्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक है क्या सिंचाई। आप सभी लोगों को पता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उस समय उन्हें पौधे की जड़ से पानी और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी देखिए सिंचाई का बहुत भी महत्व है, क्योंकि जब उनके पास, पौधे के पास पानी रहेगा तभी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे। पानी का भी बहुत महत्व है, तो इसलिए खेत में जब सिंचाई रहेगी, पर्याप्त पानी रहेगा, तो पौधे भी अपना भोजन आसानी से बना सकेंगे और अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। इसके बाद पौधों को खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण पानी से ही प्राप्त होते हैं। पानी में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, तो ये सब भी किससे प्राप्त होते हैं, पानी से प्राप्त होते हैं, इसीलिए सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, पौधे में 90% जल मौजूद रहता है, यानी कि 90% जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो क्या होता है, वो वाटर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो वाटर होता है किसी भी प्लांट के अंदर वो 90% होता है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी पौधा बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है, पानी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए इसके बाद रबी एवं जायद की फसलों के लिए, रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यकता सिंचाई द्वारा ही पूरी की जाती है। यानी कि आपको जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि भारत में चूंकि मानसून के टाइम पर ही वर्षा होती है, बरसात के मौसम में ही, और जो अलग फसलें होती हैं, जो जैसे कि जनवरी, फरवरी या मार्च में ये जब फसलें होती हैं, इन फसलों को भी पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम कृत्रिम सहारे लेते हैं, जैसे कि हम नलकूपों के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं, इसके अलावा नहरों के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं, और बहुत सारी विधियां हैं। सिंचाई कैसे करते हैं इसको मैं आगे भी डिस्कस करती हूँ इसी वीडियो में। अब देखिए, जीवांशों को सड़ाना, भूमि में पड़े हुए मृत पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सड़ाने के लिए सिंचाई आवश्यक है। यहाँ पर कहा गया है जीवांश का मतलब कि बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां खेतों में आ जाती हैं या जीवाश्म आ जाते हैं जंतुओं के, या इन सबको सड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भी सिंचाई बहुत आवश्यक हो गई है। अब इसके बाद देखिए कीड़ों से रक्षा। अब कीड़ों से रक्षा कैसी होती है सिंचाई के माध्यम से, खेतों में सिंचाई करने से खेतों के बिलों में रहने वाले जीव जंतु खेतों से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि चूहे हुए, सांप हुए, बिच्छू हुए, ये सब क्या होता है, बाहर निकल आते हैं। जो ऐसे भी कीड़े जो खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी जब सिंचाई होती है तो अपने अपने बिल से क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से भी जो फसल होती है उसकी रक्षा होती है। इसके अलावा वर्षा जल का अपर्याप्त होना, जिन जगहों पर वर्षा अपर्याप्त होती है अथवा वर्षा का सारा जल भूमि की तह में चला जाता है, उन स्थानों पर पौधों की सिंचाई आवश्यक है।
इसलिए भी सिंचाई बहुत जरूरी होती है। जहां पर वर्षा कम होती है, अपर्याप्त होती है, तो वहां पर भी सिंचाई के कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सिंचाई है उसका कितना महत्व होता है। अब किस तरीके से खेतों की सिंचाई करते हैं हम, कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं, तो इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रवाह विधि है, ठीक है। प्रवाह विधि यानी कि फ्लोडिंग मेथड। इस विधि में परिश्रम कम करना होता है। इसे कटाऊ अथवा अप्लावन विधि भी कहते हैं। इस विधि से पूरे खेत में तब तक पानी दिया जाता है जब तक कि पानी पूरे खेत में समान रूप से ना फैल जाए। इसके बाद दूसरी विधि आती है। दूसरी विधि भी आप अच्छे से समझिएगा, ये है क्यारी विधि। इसको हम बेड मेथड भी कहते हैं। इस विधि से सिंचाई के लिए पहले क्यारियां तथा बरहे बनाए जाते हैं। क्यारियों का आकार, भूमि की किस्म, फसल, सिंचाई के साधन और खेत की समतलता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो क्यारी में क्या करते हैं हम, क्यारी तथा बरहे बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, क्यारियों का आकार, भूमि की किस्म और इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, भूमि को समतल करने के बाद खेत की सिंचाई अच्छे से कर पाते हैं। यानी कि खेत में बीज बोने से पहले ही, अच्छे से पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं, ताकि जब सिंचाई की जाए तो उसमें क्यारियां और बरहे बना करके हम आसानी से पूरे खेत में पानी को पहुंचा सकें। इसके बाद है कुंड विधि। इस विधि में पानी पंक्तियों में बोई गई फसल की दो कुंडों में के बीच में बनाई गई नालियों में दिया जाता है। गन्ना, शकरकंद, आलू, चुकंदर आदि के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों गन्ना, शकरकंद, आलू आदि आदि में भी क्या बनाए जाते हैं, इसमें भी बरहे ही बनाए जाते हैं और उसके बगल बगल से पानी दिया जाता है पेड़ों को, और उससे भी फसल अच्छी तैयार होती है। और जितना अच्छा बरहा बनता है, जितने अच्छे से उन नालियों को बनाया जाता है, उतनी ही अच्छी फसल होती है। क्योंकि पानी अगर सही से किसी भी फसल को मिलेगी तो वो फसल निश्चित रूप से अच्छी होगी, ये आप सभी लोगों को पता है। इसके बाद है छिड़काव विधि। इस विधि का उपयोग पौधगृह तथा फुलवारियों में सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी कि जो फुलवारी आप देखते हो, नर्सरी देखते हो, बहुत सारे पौधे वो लगे होते हैं, वहां पर बहुत सारे फूल भी लगे होते हैं। तो फूलों की सिंचाई कैसे होती है, छिड़काव विधि से होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा कि जो फूलों की सिंचाई होती है वो छिड़काव विधि के माध्यम से ही होती है, ठीक है। इसके बाद है बॉर्डर विधि। बॉर्डर मेथड में देखिए क्या होता है। इस विधि से सिंचाई के लिए खेत को पट्टियों में बांट लिया जाता है। इस विधि में कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है, ठीक है। यानी कि जो बॉर्डर विधि होती है, इसमें क्या करते हैं, खेत को पट्टियों में बांट करके फिर सिंचाई शुरू करते हैं। इसके बाद आती है ड्रिप विधि, यानी कि ड्रिप मेथड में देखिए। इस विधि में पानी पीवीसी पाइपों द्वारा ड्रिपर्स तक पहुंचाया जाता है। ड्रिपर्स का संबंध सहायक नली से होता है। इनसे पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इस विधि में खेत को समतल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो ड्रिप विधि होती है, इसमें पानी को कैसे पहुंचाते हैं, इसमें पाइपों के माध्यम से पानी को ड्रिपर्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ड्रिपर्स का जो संबंध होता है वो सहायक नली से होता है, और इस तरीके से पौधे पौधे की जड़ों तक पानी को पहुंचाया जाता है, जिससे भी पौधे अच्छे से ग्रो कर सके। और इसमें क्या होता है, सबसे खास चीज है, इसमें आपको खेत को समतल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गई ड्रिप विधि। तो इस तरीके से आपने आज कौन कौन सी विधियां देखी सिंचाई की, आपने ड्रिप विधि देखी, बॉर्डर विधि देखी, छिड़काव विधि देखी, कुंड विधि देखी, क्यारी विधि, प्रवाह विधि, और इसके अलावा क्या चीजें होती हैं जो पौधे को ग्रो करने के लिए या पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक होती हैं। उनमें सबसे आवश्यक क्या है, पानी है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा वीडियो के, कि जितना आवश्यक पानी हमारे लिए है उतना ही आवश्यक पौधों के लिए भी है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोगों ने लगातार आप लोग के साइंस की क्लासेस चलाई हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सेकेंड में, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हम लगातार चला रहे हैं। दोस्तों अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप जल्दी से जाइए और देखिए, क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर के सभी क्लासेस को बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर ना रहे और आप सभी विषयों में अच्छा करें। तो इसके लिए आप प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए,
जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से लगातार अपडेट रहे। दोस्तों, कोई भी न्यूज होती है आपके परीक्षा से रिलेटेड, आप लोगों के प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आप लोगों के प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड, हम उसको तुरंत आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम या कोई भी चीज हो, जिस लगातार हम आप लोगों का सहयोग करते रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग तक हम लोग अपना बेस्ट बेस्ट वीडियो दे ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी कोई समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दिया करिए ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए बेहतर चीजें करते रहें। और जहाँ कहीं भी कोई समस्या है, कोई भी डाउट है, उसको प्लीज क्लियर कर लिया करिए क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।